भाई सीधा सा सवाल है, तो अब कावड़ियों पर पुष्प वर्षा का हिसाब मांगा जाएगा? मतलब सोचिए ना, अब ये पूछा जाएगा कि कावड़ियों पर फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है। मतलब ये भी नौबत आ गई है इस देश में। सोचिए, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है, हिसाब मांगा जा रहा है। भाई पैसा कहां से आ रहा है? कावड़ियों पर फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है? ये सवाल याद है, मैंने ज्ञानवापी के वक्त भी पूछा था कि हम लोग भैया अभी इतने भी सेकुलर नहीं हो गए हैं कि महादेव को पहचानने से इनकार कर देंगे और कह देंगे उसे फवारा है। अभी इतने भी सेकुलर नहीं हो गए हैं। आज फिर से वही सवाल है कि हम क्या इतने सेकुलर हो गए हैं कि भोले के भक्तों पर अगर पुष्प वर्षा हो रही है तो हम फ्लावर की फंडिंग की चिंता हमें होने लगेगी कि पैसा कहां से आ रहा है? पीएफआई की फंडिंग की चिंता कभी नहीं होगी किसी को, पीएफआई की फंडिंग, दंगों की फंडिंग, पत्थरबाजी, किसी की चिंता नहीं होगी। लेकिन यहां की फंडिंग की चिंता हो रही है कि कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की फंडिंग कहां है? भाई ये फंडिंग कहां से हो रही है? फ्लावर वाली फंडिंग, हज सब्सिडी के नाम पर करोड़ों रुपए की वर्षा, पर आज तक किसी का मुंह नहीं खुला। लेकिन ये तस्वीरें, अच्छा ये तस्वीरें देखिए, अब ये भी हो सकता है भी क्योंकि बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही थी। ये तस्वीरें ध्यान से देखिएगा, अब कावड़ यात्रा में अब बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही थी, अब ये एक वजह हो सकती है भाई। इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है, भाई क्यों, भाई इसका पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कहां से हो रही है, हिसाब किताब मांगा जा रहा है। मतलब मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि सोचिए, हज सब्सिडी के नाम पर करोड़ों रुपए की वर्षा हर साल की जाती रही, किसी का मुंह नहीं खुला आज तक, किसी ने चूं तक नहीं की। लेकिन कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की फंडिंग का, पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है, क्योंकि कावड़ियों पर आसमान से फूल बरस रहे हैं, सड़क पर फूल बरस रहे हैं, बुलडोजर से फूल बरस रहे हैं, क्रेन से फूल बरस रहे हैं, सरकार फूल बरसा रही है, पुलिस फूल बरसा रही है, प्रशासन फूल बरसा रहे हैं। बरसाने चाहिए भाई, क्यों नहीं बरसाने चाहिए? तो कष्ट इसी बात का है क्या? क्या इसलिए फ्लावर फंडिंग का हिसाब मांगा जा रहा है? क्या इसलिए पूछा जा रहा है कि कावड़ियों पर फूल बरसाने के पैसे कहां से आ रहे हैं? आपको दिखाते हैं। देखिए, हुआ यह कि कांग्रेस के नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, पहले प्रवक्ता थी, अब वो सोशल मीडिया विभाग और डिजिटल की वो प्रमुख भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं, सीनियर लीडर हैं। उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने ट्वीट किया कि कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर पायलट और फूलों का खर्च कौन दे रहा है? यानी कि कांग्रेस इस बात से परेशान है कि कावड़ियों पर फ्लावर, ये देखिए ट्वीट पढ़िए, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, हु इज पेइंग फॉर द पायलट चॉपर एंड द फ्लावर्स? इनको ये फंडिंग की, फ्लावर की फंडिंग की टेंशन हो रही है कांग्रेस पार्टी को। कावड़ियों से दिक्कत क्या है? कावड़ियों से कष्ट इतना क्यों है? क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? दो तस्वीरें आप आपको दिखाते हैं, पूरी खबर को आप समझ जाएंगे, मर्म को समझ जाएंगे, फर्क को खुद समझें। दो तस्वीरें, दो बयान। एक बयान आया था, देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, ये बयान दिया था गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने। और अब ये बयान, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आ रहा है, सुप्रिया श्रीनेत। ये दो तस्वीरें देखिए, फर्क साफ है। अल्पसंख्यकों का तो पहला अधिकार है देश के संसाधनों पर, ये गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष, पहला हक अल्पसंख्यकों का। कावड़ियों पर पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आ रहा है, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दो बयान हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, खुद अपने आप तय करिए। फर्क साफ है, मुस्लिम फर्स्ट, कावड़ियों से कष्ट। मुस्लिम फर्स्ट, कावड़ियों से कष्ट, पहला हक अल्पसंख्यकों का, देश के संसाधनों पर, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत। पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आ रहा है, पायलट का, फूलों का पैसा कहां से आ रहा है, मुस्लिम फर्स्ट, कावड़ियों से कष्ट। अच्छा, एक बयान अगर हम सुना सकते हैं इनका, एक बार सुना दीजिए भाई बयान, क्लैरिटी हो जाएगी। जो आज कावड़ियों की पुष्प वर्षा पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे कह रहे थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, एक बार सुना दीजिए जरा। प्रधानमंत्री एम कहता था कि हिंदुस्तान की तिजोरी पर सबसे पहलो अधिकार माइनो। आप सोचिए, यही दो तस्वीरें आज की खबर का मर्म है, फर्क साफ है। मुस्लिम फर्स्ट, कावड़ियों से कष्ट, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि पहला हक तो देखिए अल्पसंख्यकों का है देश के संसाधनों पर। लेकिन यहां सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, वो कह रही हैं कि भाई पैसा कहां से आ रहा है भाई, कावड़ियों पर फ्लावर, कांग्रेस फायर। डिबेट करते हैं, सलमान निजामी साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, शोएब जमाई भी है मेरे साथ, इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, शलमणि त्रिपाठी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं, विधायक हैं,
साथ ही प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, डॉक्टर सैयद रिजवान और अजय गौतम, एक बहुत बड़ा पैनल है। चलिए एक बार पैनल दिखा दीजिए भाई, डिबेट शुरू करते हैं। सबसे पहले शलभमणि बता दीजिए भाई, फंड की फंडिंग, फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है भाई? शलभमणि त्रिपाठी, फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है? देखिए, फंडिंग वहीं से हुई है जहां पर हज हाउसेस के लिए पैसा जाता था। ये फंडिंग वहीं से हुई है जहां पे हज यात्रियों को भेजने के लिए पैसा जाता था। ये फंडिंग वहीं से हुई है जहां इस्लामिक शिक्षा देने वाले मदरसों को पैसा जाता है। ये फंडिंग वहीं से हुई है जहां पर पूर्व की सरकारों में रोजा इफ्तार की दावतों के लिए पैसा जाता था। रोजा इफ्तार की दावतें दी जाती थी, मुख्यमंत्री आवास में दी जाती थी, सरकारी पैसे से दी जाती थी। तो वहां पर जहां से पैसा जाता था, वहां से ये कांवड़ियों के लिए पुष्प वर्षा का पैसा आया है। ये तमाम ऐसे विभाग है जहां पर पैसा होता है धार्मिक कार्यों के लिए, वहां से पैसा आया। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। और खैर, कांग्रेस पार्टी से आप उम्मीद कर भी क्या सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जब कोई बहुसंख्यक समाज के कोई पर्व रहे हैं, कोई मौके रहे हैं, उस पर सवाल उठाया है। और आज देखिए जिस तरह का उन्होंने सवाल उठाया, मुझे लगता है कि उसका जवाब देश उनको देगा। क्योंकि कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा अगर हो रही है तो मुझे लगता है इस कदम का तो स्वागत होना चाहिए। हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल के चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, और सबके लिए उन्नत की कामना सवाल करते हैं, थोड़ा सबके सा विकास की सेकुलर कामना टाइप करते से हैं। सवाल थोड़ा सा सेकुलर टाइप से, वो ये है कि भाई क्या सरकार को किसी धार्मिक कार्य में पढ़ना चाहिए? वो मर्म ये है कि सरकार का क्या काम है भाई कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करना? धार्मिक कार्य में खर्चा सरकार को पढ़ना चाहिए क्या एक धर्म के लिए? ये थोड़ा सेकुलर टाइप सवाल पूछा मेरे ख्याल, ये है मर्म शायद सवाल का। शलभ, बिल्कुल, मैं तो पूछता हूँ कि इस्लामिक शिक्षा मदरसे देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर मदरसे इस्लामिक शिक्षा देते हैं, आप उनके लिए फंड करते हैं, तो कौन सी सरकार से लेते हैं? क्या बांग्लादेश की सरकार से पैसा लेते हैं, किसी और सरकार से पैसा लेते हैं? अगर आपकी हज हाउसेस बनते हैं बड़े बड़े अरबों रुपए खर्च करके, तो वो क्या धार्मिक कार्य के लिए नहीं होते? क्या उनके लिए पैसे नहीं होते? हज यात्रा को लेकर तमाम सारे जो प्राविधान होते हैं, क्या उनके पैसे नहीं होते? मैं तो कह रहा हूं अमन भाई, स्पेसिफिक कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो हुकूमत थी, रोजा इफ्तार की दावत होती थी सरकारी पैसे से, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे। जो मंत्री होते वो भी देते थे, मुख्यमंत्री भी देते थे। अखिलेश और मुलायम जी को आपने देखा होगा, तमाम सारी टोपियां लगा रहते थे, तमाम सारे अधिकारी भी टोपी लगा रहते थे। उसके बाद हज हाउस तमाम जो रोजा इफ्तार की दावतें होती थी, किस पैसे से होती थी? तो अगर उन पैसों पर सवाल नहीं उठाया गया, और मैं आपको एक और बात बताऊं, बाबरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे जफर याब जिलानी, बाबरी एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन थे जफर याब जिलानी को बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने एजी बनाकर लाखों रुपए की तनख्वाह दी, वो पैसा क्यों दिया गया? बाबरी का मुकदमा सरकार क्यों लड़े? तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सरकार पैसे खर्च करती है। अगर सवाल वहां नहीं उठा रहे थे तो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर सवाल क्यों उठ रहा है? इसका मतलब जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर सवाल उठा रहे हैं, दरअसल उनका खुद का मानसिक स्तर बहुत दूषित है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ करते रहे, हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहे, उनके त्योहारों के खिलाफ बोलते रहे। अगर कोई कांवड़ियों को लेकर व्यवस्था की जा रही है, पहले कांवड़ियों पर लाठियां चलती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, आपने देखा होगा प्रतिबंध भी था, कांवड़िए निकल नहीं सकते थे। आज आपके सबके विकास के लिए, सबके अच्छे भविष्य के लिए, आपके सबके उन्नत विकास के लिए कांवड़िए निकल रहे नहीं, लेकिन ये नाराजगी डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, आपने ज्यादा समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी का जिक्र किया, इसलिए उन्हीं का एक बार पक्ष ले लेता हूं, क्योंकि प्रतिबंध लगे थे कांवड़ यात्रा पर। अजीज खान साहब, आपको पता ही होगा, आपकी सरकार थी, डीजे पर भी बैन लगा दिया गया था, डीजे नहीं बजेगा, और भी तरह के प्रतिबंध लगे थे। तो ये क्या पुष्प वर्षा नहीं होनी चाहिए, गलत है कावड़ियों पर? देखिए अमन जी, सलाब जी जो है बहुत ही विद्वान शख्स है और विद्वान प्रवक्ता है, मैं तो इनको बहुत लंबे वक्त से सुन रहा हूं, लेकिन आज जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लग रहा बहुत दुखद है। इनको शायद ये पता नहीं है कि ये जो कांवड़ियों का यात्रा निकल रहा है, ये इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान भाइयों के कौमी इत्तेहाद का एक नमूना है, प्रतीक है। आप देख रहे हैं किस तरह जो मुस्लिम तबका है वो इसका वेलकम कर रहा है, कैसे खैर मकदम कर रहा है, कैसे स्वागत कर रहा है, पुष्प वर्षा कर रहा है, पानी पिला रहा है, रास्तों में तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, और कहीं ना कहीं इंतजाम करके उसको फैजियाब पहुंचा रहा है। सरकारी पुष्प वर्षा सही या नहीं? दूसरी बात, अरे सुनिए ना सर मेरी बात, देखिए मैंने कहा सरकार को कुछ वर्षा करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए, और सभी सरकारों को करना चाहिए, उसके साथ साथ जो पब्लिक है उसको भी पूरी तरह से स्वागत और खैर मकदम करना चाहिए, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि चूंकि आस्था का विषय है और आस्था में आप लोगों ने तो बैन करा दिया था, आप लोगों ने तो डीजे बैन करा दिया, आप लोगों ने तो कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, अरे आपने कहा फूल बरसाए थे।
शायद फूल नहीं, नहीं, बरसाए नहीं, थे नहीं, आप नहीं, लोगों अभी ने? अरे देखिए मेरी, आप लोगों ने फूल बरसाए थे? बताइए, एक तो बड़ी समस्या ये है ना, उसे दिया आप पूरी बातें नहीं करने दे रहे, बात कंप्लीट आएगी नहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगी बात। अमन भाई देखिए यहां से दियो देखिए, ना। बात यह है कि उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा पर रोक, ऐसा कभी नहीं था। हमारी सरकार ने हाई कोर्ट के नॉर्म को फॉलो किया था, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, पहली बात डीजे पे। दूसरी बात मैं बताना अरे चाहूंगा, नॉर्म हिंदू देखिए त्योहारों सारी के लिए चीजें आप, थे। अरे सुनिए ना सर, अरे बोलिए भाई बोलिए। सुनेंगे आप हाँ बोलिए भाई। बोलिए अमन जी देखिए, अगर बोलिए बात बोलिए करने दे तो मुझे बात करने दे, बोलिए अदरवाइज बोलिए। छोड़िए, आप नहीं नहीं मैं बात बोलिए ना करूं। नहीं बोलिए। देखिए मैं अच्छा बस कह ये रहा हूं, बताइए, आप देखिए लोगों ने बिल्कुल फूल बरसाए बरसा, थे क्या? कोई ऐसी फोटो वीडियो कुछ है क्या कावड़ियों पर, अगर मैं हमने मिस कर फूल रहा हूं? बरसाए थे नहीं बरसाए थे, नहीं नहीं लेकिन मैं ये ये जरूर बताऊंगा अभी कि आपने बोला सारी भारतवासी ने, सरकारों को अरे बरसाने चाहिए, सुनिए मुझे ना लगा मेरी मैं बात, अरे सुनिए अजीज ना, खान साहब मैं मिस कर अरे गया भाई हो आप सकता सुनेंगे है। नहीं, अरे मैं अरे एक सुन फिर तो आप ही लीजिए। बोलिए, हाँ आप आप ही ही, बोलिए, हाँ मेरा मेरा बस ये था अरे अजीज खान बात करने साहब, दे, आप मैं कंप्लीट आपके नहीं साथ करने था, देंगे। आपने बोला नहीं कि आप सारी हमारे साथ सरकारों को क्या रहे, बरसाने चाहिए, क्या आप लोगों ने बरसाए थे? क्या आपकी मुझे सरकार बोल ने रहे, पुष्प वर्षा यार की थी अमन भाई कांवड़ियों बड़ी पर। मुसीबत है, असल में आपकी आदत पड़ गई है कि आप दूसरों अरे को बोलने अजीज नहीं दे रहे। खान साहब, क्या आप लोगों ने करी थी पुष्प वर्षा, हाँ या ना? मैं वही कह रहा हूं ना, अरे करी सुनिए थी? ना, पुष्प वर्षा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उन नौजवानों पर जो आज कांवड़ियों के रूप में पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो आदिल की यही बात कर युवा रहे हैं क्या है आप? कि वो आदिल किसी कमाल की नहीं इन्हीं दोनों युवा बात कर को रहे हैं जब रोजगार है, आप? सुनिए ना आदिल मेरी और बात, कमाल की बात कर इन्हीं रहे हैं युवा को, जो अरे भाई आप कांवड़िया बोलने बनकर नहीं मजार दे रहे, तोड़ छोड़िए रहे थे, उनके सपने। अब आप ही बोलिए, लड़ाइए मत मत मत, मुझे बोलने मत दीजिए, छोड़िए आप ही बोलिए, अजीज खान क्या साहब, फायदा क्या बात आप करने लोगों ने से। पुष्प वर्षा नहीं करी ये थी, हाँ या तरीका नहीं, ना? नहीं अमन भाई ये तरीका नहीं, फिर अगर आपको बोलना है तो आप बोलिए, अच्छा ऐसा आप करिए, बोलने मत अजीज खान दीजिए। साहब बोलेंगे, अजीज खान जी के लिए टाइमर चलाइए, वो पूरा बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं सवाल ले रहा हूं अजीज भाई, ये क्या आप बात है, कोशिश ये कोई करिएगा तरीका उसका है ऐसे जवाब बात दे करने पाए। का? अजीज भाई, क्या आप लोगों ने पुष्प वर्षा करी थी, हाँ या ना? अब आप बोलिए, आपका टाइमर है, बोलिए अब आप, कोई बीच में नहीं बोलेगा भाई, बोलिए। देखिए मैंने कहा पुष्प वर्षा कर रही है ये सरकार, अच्छी बात है, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन इस सरकार को यह भी सोचना है कि यही रोजगार, यही बेरोजगार युवा जो है वो लगातार लगातार लाठियां खा रहा था। अभी थोड़े दिन पहले इन पर लाठियां बरसाई गई, आखिर सरकार ने, एक तरफ सरकार लाठियां भांज रही है, दूसरी तरफ पुष्प वर्षा कर रही है। और यही उत्तर प्रदेश है जो नीति आयोग की रिपोर्ट आप देखें, भारत वर्ष में सबसे गरीब दूसरे प्रदेश के रूप में ये है आज, ये यही उत्तर प्रदेश है, यही देश है। 29 किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है, उस पर पुष्प वर्षा कौन कर रहा है? 42 बेरोजगार पर डे आत्महत्या कर रहा है, 103 दिहाड़ी मजदूर पर डे आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है साहब, उस पर भी तो पुष्प वर्षा होना चाहिए, उस पर भी तो ख्याल करें। आज किसानों की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है, डॉलर 80 के पार चला गया, डीजल 100 के पार चला गया, हाँ ये बात बेरोजगारी सही है, चरम पर है, सही गैस बात, 1000 के पार, साहब उस पर भी तो सही काम बात, करेंगे। बिल्कुल सही बात। पुष्प वर्षा अच्छी अच्छी बात है, हम नहीं नहीं समर्थन बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही नौजवान हमारा है, यही नौजवान पर लाठियां नहीं ये चलनी बहुत अच्छी चाहिए, बात उठाई है लाठियां मेरे चल ख्याल रही से। है, अजीज खान उनमें साहब ने उनको नौकरी बहुत नहीं बहुत मिलेंगे, सही बात आज जो बोली है। बेरोजगार है युवा है, हम इनको सभी ना तो मेहमानों रोजगार नहीं को देंगे, अरे अजीज भाई भाई की समझ रहे बात हो मेरी पर बात? गौर करना चाहिए। अजीज भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि जब देश में महंगाई थी, जब देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, तब हज सब्सिडी बंद कर दी गई थी। होना चाहिए ऐसा, जब जब महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमराए, तब तब हज सब्सिडी को बंद कर दिया गया था भाई, ऐसा नहीं है। तो अब महंगाई है तो फिर ये पुष्प वर्षा नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, एक कमेंट में आपका ले लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, क्या सरकार को किसी धार्मिक जी कामकाज में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? भाई सरकार सेकुलर, तो फिर पुष्प जी वर्षा एक धर्म के लिए क्यों? डॉक्टर रिजवान अहमद, जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जो अभी हमारे अजीज खान भाई बात बोल रहे थे, या यूं कहें सरकार को हिदायत दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे बेरोजगारी पर, युवाओं पर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जब रोजा इफ्तार हो रहे थे तो क्या रोजगारी का बिल्कुल मुद्दा खत्म हो गया था? युवा बेरोजगार नहीं थे? सारी कानून व्यवस्था ठीक हो गई थी? सारे प्रदेश की समस्याएं क्या ठीक हो गई थी? और उसके बाद रोजा इफ्तार का सिलसिला शुरू हुआ था? तो जो भाषा अजीज खान भाई आज बोल रहे हैं, अगर सपा के टाइम पर इन लोगों ने ये बातें बोली होती कि रोजा इफ्तार कराने से कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है, युवाओं के रोजगार की बात करो, तो शायद योगी जी की सरकार ही ना बनती, अखिलेश यादव रिपीट करते। तो ये तो उन्होंने उसी इस वक्त गलती नहीं नहीं करी नहीं जो नहीं आज वो ज्ञान उन्होंने दे वो रहे नहीं हैं। उस टाइम बताया अपने नेता को ज्ञान देना डॉक्टर चाहिए डॉक्टर था रिजवान अहमद, उन्होंने वो जी बताया कि हम लोगों ने इसलिए नहीं करी थी पुष्प जी वर्षा क्योंकि महंगाई थी, बेरोजगारी थी हमारे कार्यकाल जी जी में, जी
और फिर ये सारे मुद्दे थे हाँ, अर्थव्यवस्था, नहीं, इसीलिए वो हमने और नहीं भी देर करी हो, थी, बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए हमने बिल्कुल पुष्प वर्षा नहीं करी बिल्कुल थी। बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं उनको। जी, इसीलिए पुष्प वर्षा नहीं की थी, लेकिन इसीलिए रोजा इफ्तार इन्होंने किया था, तो खैर। पर दूसरी बात इतनी जरूर बोलूंगा कि अगर कांग्रेस के नेता, ये मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, यूपी में 2% वोट मिला है कांग्रेस को, परसेंट को हिंदी में टका बोला जाता है, तो यूपी में कांग्रेस 2% की पार्टी है। अगर सिर्फ कांग्रेस के नेता बोलना बंद कर दें, सिर्फ वो ये कसम खा लें कि अब हम 2027 तक नहीं बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये 2% बढ़कर 12-14% हो जाएगा कांग्रेस का, सिर्फ अगर बोलना बंद कर दें। कांग्रेस पार्टी को साहब मुझे समझ में नहीं आता इनकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी आप देखिए कि हमारे राष्ट्रपति शपथ ले रही थी। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप तो पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, लॉ के, तो इससे तो अपीजमेंट नहीं होता है जी। इससे तो अपीजमेंट होता है, एक वर्ग खुश हो जाता होगा। जब आप हिंदू फेस्टिवल को टारगेट करें तो इससे एक सोसाइटी, एक वर्ग खुश हो जाता है और वोट मिलता है, तो यहां तो बोलने से फायदा होगा ना, तुष्टिकरण हो जाता है, नहीं? या मैं गलत हूं? नहीं 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 ना 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 नहीं 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 अमन भाई नहीं, इन लोगों को यह पता ही नहीं। अभी मैं आता हूं उस पर, इन लोगों को पता ही नहीं कि बोलना क्या है, इसीलिए इनका यह हाल है। अगर सिर्फ इनको यह पता चल जाए क्या बोलना है, और जब तक ना पता चले ये चुप रहे, तो इनका राजनीति में बड़ा फायदा हो जाएगा। इन लोगों ने जब हमारी राष्ट्रपति शपथ ले रही थी, ऐतिहासिक मौका था, अरे यार बधाई देते और अपने अपने घर वापिस जाते। मुद्दा क्या उठाया कि हमारे नेताओं को तुमने बिठाया कहां? फिलोसफी और सारी चीजें किया सत्याग्रह, ठीक है, अब इसी पे रहते हैं। डॉक्टर शोएब जमाई का भी एक कमेंट ले लेता हूं। अब इन्होंने शोएब जमाई का एक कमेंट ले लेता हूं, एक एक करके जल्दी जल्दी, सबका एक एक कमेंट जरूरी है। शोएब जमाई, फ्लावर की फंडिंग की टेंशन आपको तो नहीं हो रही? नहीं, मुझे लगा आप कोई डायलॉग बोल रहे थे, मैं फायर नहीं फ्लावर हूँ। कावड़ियों पर फ्लावर, कांग्रेस फायर, आप भी कहीं फायर तो नहीं हो रहे हैं? चलिए बोलिए बोलिए शोएब। शोएब देखिए अमन जी, आप पर्सनली तौर पर मुझे जानते भी, मेरा मिजाज जानते हैं, और भले ही मैं आरएसएस की विचारधारा और आइडियोलॉजी का हमेशा विरोध करता रहा हूँ, लेकिन मेरे पूर्व में जिन पार्टियों के साथ मैं किसी पोस्ट पर रहा, वो सारी पार्टियां जो है वो लोहिया और जेपी की विचारधारा को मानने वाली थी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनअधिकार हो, ये सब उन्हीं विचारों के साथ। तो हमारे विचारों में किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म के देवी देवता हो या किसी डिवोटीज हो, उनका अपमान करना या उसके लिए सुख सुविधा की कोई चीजें हो रही है उसका विरोध करना, ये हमारे ना डीएनए में है ना हमारी सोच में, नंबर वन। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं वो वेलफेयर स्टेट है। अगर जो एक साहब चित्तूर से जो निकला है केरला से हज करने के लिए पैदल, उस पर पुष्प वर्षा होती है, जगह जगह पुलिस वाले उसको कॉर्डन ऑफ करके ले जा रहे हैं, ये भी इस देश में हो रहा है, तो हमारे कावड़िया भाई जो जा रहे हैं, और चूंकि मैं इसलिए सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि मेरा जहाँ घर है उससे बहुत करीब में जो है वो देवघर है, जहाँ सबसे बड़ा कावड़ियों का मेला लगता है, उत्तर प्रदेश का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कावड़ियों का जो मेला लगता है, इसके हमारी सरकार झारखंड में जहाँ पे मैं हूँ आईएनटी में, वो पूरा इंतजाम करती है। तो मैं समझता हूँ कि हमने मुसलमान भाइयों से भी ये कहा कि जगह जगह आप मेडिकल कैंप भी लगाएं, और वो कर रहे हैं, पानी भी बरसा दे रहे हैं, सारे कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए कोई फूल बरसाए पुष्प बरसाए इसमें हमारा एतराज क्या? हमारा तो स्वागत इसमें होना चाहिए, हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ये कहते थे कि भाई इफ्तार करा दिया तो तुष्टिकरण कर दी, हज सब्सिडी हो गई, हालांकि वो एयर इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिया, सब जानते हैं आप, नहीं है तो वो तुष्टिकरण, तो अगर वो तुष्टिकरण है तो ये भी तुष्टिकरण है, और अगर ये वेलफेयर है तो वो भी वेलफेयर है, इस बात को समझना पड़ेगा, तो इक्वली हमको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ना वो तुष्टिकरण था ना ये तुष्टिकरण है, दोनों सरकार के एक वेलफेयर स्कीम का एक हिस्सा होता है। हम आप ये जो वेलफेयर स्कीम का आप जो वेलफेयर स्कीम का जिक्र कर रहे हैं ना, फर्क ये है, वो तुष्टिकरण हो सकता है, ये कतई नहीं हो सकता। मंदिरों से कितना चढ़ावा आता है ना, आस्था का अर्थशास्त्र है 3.25 लाख करोड़ के आसपास का, अगर मैं गलत नहीं हूं, 3.25 लाख करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी है,
और हर साल सरकारों को, मस्जिदों से नहीं प्रभु सुनिएगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का आपने जिक्र किया और आपने बोला कि वो तुष्टिकरण हो सकता है, ये नहीं, वो तो हो सकता है, ये कतई नहीं हो सकता। यहां तो 10-15 लाख रुपए अगर खर्च हो गए, हजारों करोड़ों रुपया जाता है। टेम्पल इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ की है, उसमें 24,000 करोड़ तो 6 मंदिरों से है जो जा रहा है सरकारों के पास हर साल। तो अगर इतना, और बल्कि मैं तो कहूंगा इफ्तार की दावतें भी मंदिर के पैसे से दी जाती रही होंगी, वो जो जो मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है ना, सुन लीजिए पूरा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जो मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है ना, उसका यहां पर है कि यहां तो लाखों करोड़ जाता है, उसमें 10-15 लाख रुपए खर्च हो गए। मेरे अजय गौतम बोलेंगे, एक कमेंट अजय गौतम जी का। अजय गौतम, ये सवाल है, सवाल ये कि सेकुलर सरकार, सरकार सेकुलर होती है, सेकुलर फैब्रिक होता है, फिर एक धर्म के लिए इस तरह की पुष्प वर्षा करना क्या गलत है? और जो कांग्रेस पार्टी करेगी, फंडिंग पैसा कहां से आ रहा है भाई? नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवातराय च। आज न्यूज 18 के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की और रुद्राभिषेक की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट, ये एक्ट बना हुआ है, सरकार का कानून है, जिसके जिन भी जो मंदिर हैं उनकी संपत्ति पर सरकार का हक होता है, और उससे ही जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसी रेवेन्यू से वेलफेयर ऑफ स्टेट होता है, उसी से हर सब्सिडी दी जाती है, उसी से मदरसों को भी पढ़ाई के लिए खर्चा दिया जाता है, उसी से जो है इफ्तार की पार्टी दी जाती है, और सरकार का बहुत बड़ा जो तबका है वो उस मंदिर से आई हुई पैसे से जो है वो तनखा पाता है। ये कभी भी अपीजमेंट नहीं हो सकता, वो हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। और रही जी जी वो इसलिए इसलिए बात ये है, मैं आपको बताऊं, आप प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, जो भी बड़े बड़े प्रमुख कार्यालय है, प्रधानमंत्री निवास है, आप आरटीआई लगाइए, पूछिए कि आपके यहाँ पिछले 10 साल में इफ्तार पर कितना पैसा खर्च हुआ है, होली मनाने पे कितना हुआ, दिवाली सेलिब्रेशन पे खर्च हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि जो इफ्तार का खर्चा है वो तो करोड़ों में है, लेकिन होली पे ना तो 2 रुपए का गुलाल खरीदा गया सरकार से, ना दिवाली पे 1 रुपए की फूलझड़ी खरीदी गई। लेकिन अगर मंदिर से आया हुआ जो पैसा है, जो हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी श्रद्धा से अपने ईष्ट पे, देवता पे चढ़ाया, उससे सभी धर्मों का वेलफेयर हुआ, ना सिर्फ मुसलमान, इस्लाम का, सिखों का अलग हुआ, क्रिश्चियनिटी का अलग हुआ, क्योंकि उस पर जो है सरकार का कब्जा है। और 3.25 लाख करोड़ तो ऑफिशियल डाटा है, एक्चुअल डाटा इससे बहुत ज्यादा है, एक्चुअल डाटा इससे डबल ट्रिपल है। अब रही बात, मैं आपको बता दूं, जिन लोग जो, लेकिन फिर सरकार तो सेकुलर होती है ना, सरकार का एक विभाग होता है जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय कहते हैं, जो सांस्कृतिक मंत्रालय वो ये आपको वो करता है कि जो आपकी संस्कृति रही है, जो आपकी परंपरा रही है, जो हाजी है उन पर भी हुए। फिर मैं अभी दिल्ली में जो जो फूलों की सैर का एक वो जाती है चादर चढ़ाने, LG के ऑफिस से जाती है, सरकार के खर्चे से जाती है, निजामुद्दीन ओलिया वो सरकारी खर्चे से चादर चढ़ाई जाती है, अजमेर के अंदर उर्स होता है, निरंकारी कॉलोनी दिल्ली के अंदर उसके लिए कैंप लगता है, पूरी व्यवस्था होती है, उनके ऊपर फ्लावर पॉल्टिंग भी होती है, उनके उनके ऊपर उन्हें इत्र के फोए भी दिए जाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी होती है। शलभ, अब क्योंकि बुलडोजर से भी हो रही है, ये भी तो हो सकता है, ये दर्द दर्द का कोई और विषय भी हो सकता है, जो परेशानी है वो ये भी हो सकती है, क्योंकि बुलडोजर से हो रही है भाई। आप भी तो मैसेजिंग में नहीं छोड़ते ना। और सर सफाई के अंदर मैं बताऊं, समाजवादी जो पार्टी थी ना, 10 सेकंड समाजवादी पार्टी जो थी वो उसने पूरी पुष्प वर्षा करी, लेकिन सफाई के अंदर जो बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों को बुला के करोड़ों अरबों रुपए के बजट से जो नाच गाना होता था एक परिवार के किसी मुखिया के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए, वहां तो करोड़ों अरबों रुपए का खर्च था, लेकिन हिंदुओं के लिए डीजे बजाना बैन था, हिंदुओं के लिए धार्मिक अवसर बैन था, यहां तक कि एक समय था जब राम का नाम लेना भी बैन था, मरे हुए आदमी को लेकर चलते थे तो अयोध्या के अंदर राम नाम के बोलने पर भी बैन। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी VHP से, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक बार शलभ, आप पहले एक बार, आप फिर अजीज खान भाई आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले शलभ। नहीं देखिए, जो जनादेश है, अगर आप देखेंगे अमन भाई, मैं अभी बात सुन रहा था, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा अजीज साहब से भी और सारे जितने स्कॉलर यहाँ बैठे हैं कि 2017 के पहले की हुकूमत देख लीजिए, एक हुकूमत ऐसी थी कि 400 दंगे हुए, मुजफ्फरनगर का दंगा तो आपने भी अमन भाई कवर किया होगा,
किस तरह के दंगे हुए, कौन मारा गया उन दंगों में, किसका नुकसान हुआ, किन लोगों के साथ ज्यादती हुई। तो एक तरफ 400 दंगे हुए और 17 के बाद आप देखिए कोई भी पर्व रहा हो, चाहे वो मुस्लिम भाइयों का रहा हो, चाहे हिंदू भाइयों किसी का भी रहा हो, अमन चैन के साथ सारे पर्व भी थे। आपने देखा अभी एक घटना हुई, कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ने चले गए इसके काउंटर में कि वहां नमाज हो रही है, तो क्या पुलिस ने बराबर की कार्रवाई नहीं की? जो नमाज पढ़ रहे थे उनको भी खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जो हनुमान चालीसा जबरदस्ती पढ़ने का प्रयास कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। क्या लाउडस्पीकर हटाने में कोई भेदभाव हुआ? लाउडस्पीकर मंदिर से हटाए गए, मस्जिद से भी हटाए गए। और मैं तो इस बात को लेकर धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी की जो अपनी पीठ है गोरक्ष पीठ, सबसे पहले शुरुआत वहां से हुई कि हम अपना लाउडस्पीकर हटा रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप सरकार की मंशा पर कोई संदेह करते हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि एक सरकार थी समाजवादी पार्टी की कि पंचकोशी की परिक्रमा होती है, वो किसी भी हिंदू का राइट है, अपना राइट है। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हमारे यहां से निकलते थे कि जा रहे हैं पंचकोशी की परिक्रमा करने, भगवान राम के दरवाजे पर जाते थे और समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी, उसमें गिरफ्तारियां की थी, संतों पर लाठियां चली थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने उसको सेक्युलरिज्म मान लिया और ये सेक्युलरिज्म नहीं है। अगर आपका नजरिया इस प्रकार का है तो आज आपको जरूर तकलीफ होगी, चाहे वो बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही हो। अगर आपका मन साफ है तो आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि जिस तरह कांवड़िए निकलते हैं पूरे देश भर से, कितनी कठिन परिस्थितियों में निकलते हैं, निश्चित तौर पर उनका स्वागत होना चाहिए और अभी और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। और बेहतर होगा अभी तो, और रोने का और मौका मिलेगा, आप ये कह रहे हैं। बहरहाल प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, अब आप बोलिए प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, फिर वही सवाल है, सरकार सेकुलर, पुष्प वर्षा कम्युनल, कैसे चलेगा? ये अमन जी, पहले तो भारत को समझना पड़ेगा। भारत जो है, अगर वो एक शरीर है तो हिंदुत्व उसकी प्राणवायु है, उसकी आत्मा है। तो आत्मा शरीर से भिन्न होता है तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए हिंदुत्व आत्मा है। और शिव, शक्ति, शंकर, कृष्ण, राम, ये सब इस हिंदुत्व का हिस्सा है। और इसलिए इस हिंदुत्व के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए यदि सरकारें कुछ प्रयास करती हैं तो वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस तो मौसमी हिंदू है, वो मौसमी हिंदू है क्योंकि उनको हज से पर सब्सिडी देने से परेशानी नहीं है, उनको जो रोजा इफ्तार होता है उससे कोई परेशानी नहीं है, या अल्पसंख्यकों के नाम पर तमाम तरह की योजनाओं को चलाना और बहुजन बहुत बड़े बड़े बहुसंख्यक हिस्से का तुष्टीकरण करना, उससे उनको तकलीफ नहीं है। लेकिन कावड़ियों पर इस पूरी भारत की जो दैशिक परंपरा है, उसकी संस्कृति को संवर्धन और बचाने के लिए यदि सरकारों के द्वारा, समाज के द्वारा कोई प्रयास हो तो उस पर उनको बड़ी तकलीफ होती है। ये कांग्रेस का चरित्र है, ये एंटी हिंदू सोच हो सकती है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आऊंगा शोएब आपके पास, आऊंगा डॉक्टर रिजवान अहमद और अजीज खान साहब, आ रहा हूं। सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक है, सिर्फ 3 मिनट का, तुरंत हाजिर होने। कावड़ियों पर पुष्प वर्षा से कष्ट है, मतलब कावड़ियों पर फ्लावर, कांग्रेस में फायर, इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है, मतलब कि ये फंडिंग कहां से हो रही है, जो फ्लावर की फंडिंग है वो कहां से हो रही है। कावड़ यात्रा पॉलिटिक्स, डॉक्टर रिजवान अहमद है, अजय गौतम है, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, और साथ ही मेरे साथ शालमणि त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, और साथ ही प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हैं। अब मैं डॉक्टर और शोएब जमाई भी हैं, लेकिन अब मैं डॉक्टर अजीज खान आपके पास आ रहा हूं। अच्छा नहीं होता कि अगर आपके कार्यकाल में भी ये सारी चीजें होती तो शायद वो बदलाव नहीं नजर आता जो अब बदलाव नजर आ रहा है। जो तस्वीरें आज दिखाई दे रही हैं अजीज भाई, ये तो आप भी मानेंगे याद से पहले नहीं नजर आई, या 17 से पहले नहीं नजर आई। डॉक्टर अजीज खान जी, देखिए अमन भाई बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। देखिए, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, हम धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह नहीं करते, हम विकास की बात करते थे, हम नौजवानों के नौकरियों की बात करते थे, हम बेरोजगारों की बात करते रहे, हम युवाओं की बात करते रहे। आज आप देखिए ना, हालात ये हैं कि एनएसओ 2018 का रिपोर्ट ले लीजिए ना, उसमें क्या है कि आज एक व्यक्ति की जो आय है 20% परिवार, आज इस देश में देखिए उनकी इनकम जो है 1065 रुपया हो गई है। हम इस पर काम कर रहे थे, हमने यहां महंगाई पर काम किया, बेरोजगारी पर काम किया, हमने विकास पर, जो विकास उत्तर प्रदेश में हमारे रिज्यूम में हुआ है, मैं दावा करता हूं एक भी विकास का काम, अभी सलभ भाई बता दें या बैठे हैं, हमें 5 काम बता दें कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा काम हुआ। अभी दंगे की बात कह रहे थे साहब, 400 दंगे हुए, मैं कह रहा हूं 11 दिसंबर 2018 का रिपोर्ट है। आपके जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर जी, उन्होंने बाकायदे लोकसभा में जवाब दिया कि 2014 आनवर्ड पे देखा जाए 2017 और उसके बाद में 32% दंगे अधिक हुए और 44 मौतें भी हुई। तो दंगों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इनके मंत्री कह रहे
कि साहब दंगे अधिक हुए, और आज जो आज इस देश की स्थिति है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को अगर देख रहे हैं आप तो 55 नंबर पे था 2014 में, आज 101 नंबर पर आ गया है। आज आप बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे पहुंच गए हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देखें आप तो 111 अजीज खान सवाल पूछ सकता हूं, आज 139 पोजीशन पे आ गए। क्यों? आपने कभी विकास का काम नहीं किया। आज बांग्लादेश और नेपाल से हमारा कंपैरिजन हो रहा है। हमने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, हमने देश में प्रदेश में युवाओं की बात की, बेरोजगारों की बात की। हमारे रेज्यूम में आप बताएं गैस सिलेंडर क्या रेट था, हमारे रेज्यूम में आज महंगाई की क्या स्थिति रही। अजीज खान मैं सवाल पूछ लूं आपसे, हमने विकास में काम किया, 1.5 मिनट बोला आपने, अब पूछ लूं, मैंने बीच में नहीं टोका, तो आप ये समझाने की मुझे कोशिश कर, नौकरी की बात नहीं की, अच्छा चलिए आप मुझे जुमलेबाजी नहीं की थी, चलिए आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका सारा ध्यान विकास पर था इसलिए आप लोगों ने पुष्प वर्षा नहीं करी। आप मुझे समझा रहे हैं कि आपका सारा ध्यान क्योंकि विकास पर था, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, इसलिए आप लोगों ने पुष्प वर्षा नहीं करी थी। आप ये मुझे समझा रहे हैं, और देश में जब महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था अगर चरमराई हो, तो फिर पुष्प वर्षा नहीं होनी चाहिए। आप ये मुझे समझा रहे हैं, देखिए देखिए अमन, दोनों अलग अलग विषय नहीं है अजीज भाई, हमने कहा अजीज खान दोनों अलग अलग विषय नहीं है। जब देश में महंगाई थी तो क्या हज सब्सिडी बंद हो गई थी? जब देश में अर्थव्यवस्था और वो सारी चीजें थी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, फ्रेजाइल 5 इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी, वो सारी चीजें थी, तो क्या मौलवियों को जो सब दिया जाता था वो सब बंद हो गया था? ऐसा नहीं था ना, वो अलग अलग विषय है ना अजीज खान, वो अलग अलग विषय है। अच्छा हाँ बोल लीजिए, बोलिए बोलिए, 10 सेकंड, हाँ बोलिए, डॉक्टर रिजवान अहमद और शलभनी त्रिपाठी। हमने अपने पहले ही संबोधन में कहा कि मैं पुष्प वर्षा के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी कांवड़ यात्रा में जो चीजें आपने इसको तुष्टीकरण कहा, जो उनको सुविधाएं दी जा रही, मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं चाहता हूं खूब मिलना चाहिए। आपने इसको तुष्टीकरण कहा, हाँ या ना? और धर्मार्थ के काम होने चाहिए, आपने इसको तुष्टीकरण कहा, हाँ या ना? विकास का काम भी होना चाहिए, इस मुल्क में विकास भी जरूरी है, उन नौजवानों को नौकरी भी मिलनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं, उन पर लाठियां नहीं भांजनी चाहिए। एक तरफ आप पुष्प वर्षा करते हैं, दूसरी अगर मैं गलत नहीं हूं, अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में बहुत बड़ा हज हाउस बनवाया था, अखिलेश जी ने गाजियाबाद में बहुत अच्छा, तो तब महंगाई कितनी थी? तब एकदम टॉप पर था यूपी, तब एकदम महंगाई कंट्रोल में थी, अर्थव्यवस्था के नाम पर गोल्डन एरा था यूपी का। आप ये कह रहे हैं सिलेंडर मुफ्त में, ऐसा तो नहीं था ना? जी जी, फिर हज हाउस बनवाया ना आप लोगों ने? ऐसा तो नहीं बनवाया, देखिए हज हाउस भी बनवाया था। अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, फिर उस वर्षा से प्रॉब्लम है, हज हाउस से नहीं। अरे सुनिए ना सर, अच्छा जी 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 जी, हज हाउस भी बनवाया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनवाया था, आगरा एक्सप्रेस वे भी बनवाया था, बस कावड़ियों से प्रॉब्लम थी, उनके डीजे पर बैन कर दिया था बीच में। सुनिए जी, अरे मेरी बात सुने ना, अच्छा जी, हमने विकास का काम किया था, हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते रहे, हमने सारा काम किया, हमने वो काम किया जो इस प्रदेश में लोगों एक मेरे पास ना यूपी की कुछ फिगर्स है, उत्तर प्रदेश की कुछ फिगर्स है, इस वक्त यूपी का वार्षिक बजट कितना है आप बताइए? मैं वही बताता हूँ सर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नंबर 7 से नंबर 2 पर हुई, प्रति व्यक्ति आय 45,000 से बढ़कर 94,000 प्रति व्यक्ति हुई, वार्षिक बजट 2,00,000 करोड़ से बढ़कर 6,00,000 करोड़ हुआ, और एक बहुत बड़ी लिस्ट है, यूपी में बलात्कार के मामलों में 45% की कमी आई, 4,68,000 करोड़ रुपए का निवेश, वो सारी चीजें। इस तरह मैं उस तरफ जा नहीं रहा था, वो अलग डिबेट है अजीज भाई, वो अलग डिबेट है। शलभनी त्रिपाठी, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, पहले शलभ बोलेंगे उसके बाद डॉक्टर रिजवान आप बोलेंगे। शलभ, आप लोगों का ध्यान है धर्म कर्म इन सारी चीजों में ज्यादा है, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, इतने मुद्दे हैं, उनका ध्यान विकास पर था ज्यादा, इस वजह से इन चीजों में वो नहीं पड़े। ये तुष्टिकरण है जो अजीज खान ने बोला कि वो तुष्टिकरण में नहीं पड़ते हैं भाई। शलभ मणि त्रिपाठी, विकास तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, किसका हुआ था? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम सारे अपराधी, गुंडे, माफिया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ के स्टूडियो में बैठ के कितना भी चिल्ला लें, अभी जनता ने पीछे 3 महीने पहले इनको जवाब दे दिया है, 3 महीने पहले इन मुद्दों को लेकर गए थे, और आजादी के पहली बार ऐसा हुआ है 30 सालों में कि जब कोई सरकार इतने प्रचंड बहुमत से वापस आई है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। इसके बाद भी इनको अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इतना कहूंगा कि अजीत भाई अभी कह रहे थे कि तुष्टिकरण नहीं करते, धर्म के आधार पर नहीं करते, इस देश में 3 सबसे बड़े नरसंहार हुए अमन भाई। एक नरसंहार 48 में हुआ जब पंक्ति पावन ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में, चुन चुन के उनकी हत्या की गई, चुन चुन के नरसंहार किया गया 48 में।
84 में सिख भाइयों के साथ क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने किया, चुन चुन के सिख भाइयों का नरसंहार किया। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा कोई नरसंहार था तो अयोध्या का नरसंहार था, जिसमें हिंदुओं पर गोलियां चलाई गई। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि इस तरह के किसी आंदोलन में इस तरह गोलियां चलाई जाए और ये बड़े गर्व से कहा जाए कि नहीं, हमें तो अगर और गोली चलानी पड़ती, हमें और लोग मारने पड़ते तो हम मारते। अब इस तरह की बात करने वाले जो बैठ के जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत धैर्य के साथ चीजों को देखा है यहाँ हिंदुस्तान के लोगों ने। अब उनके जख्मों को कुरे दिए मत। अगर आज एक सरकार उनके लिए काम कर रही है, उनके जख्मों को ढकने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसका संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। पूरी दुनिया आज अप्रिशिएट कर रही है, पूरी दुनिया आज उत्तर प्रदेश की सरकार की सराहना कर रही है। और आप इस बात को इकोनॉमी की अगर बात करेंगे, इससे किसकी इकॉनॉमी बढ़ रही है, आप जरा पता कीजिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई क्या करते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, जो कांवड़ के लिए जो लेके चलते हैं कांवड़ हमारे भाई, उनके लिए पूरा लकड़ी का जो जो इक्विपमेंट बनता है भाई, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बनाते हैं, आप 50 स्टोरी पढ़ लीजिए। तो क्या नफरत है इसमें, किस बात की समस्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर सरकार सभी के पर्वों बोलेंगे उसके बाद आप उनके अगर सभी के पर्वों को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सभी के पर्व और जो त्योहार हैं वो पूरे उल्लास से मनेंगे, कहीं आपकी किसी पर्व को लेकर कोई समस्या नहीं हुई, तो हमारे पर्वों को उल्लास से मनने दीजिए। कि हमारा गुनाह सिर्फ ये है कि हम इस देश में बहुसंख्यक हैं और हमारे साथ तुष्टिकरण का खेल होता आया है, हमारे लोगों का नरसंहार होता रहा है, ब्राह्मणों का नरसंहार होता रहा है, सिखों का नरसंहार होता रहा है, कितने सालों तक इसको झेलते रहेंगे? क्या आज भी चाहते हैं कि, और तुष्टिकरण वो नहीं था जब आतंकवादियों के केस वापस लिए जा रहे थे, फिर हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि क्या आतंकवादियों को पद्म सम्मान देना चाहती है सरकार, कोट अनकोट, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी समाजवादी पार्टी सरकार के लिए। अजीज भाई गूगल कर सकते हैं कि क्या आतंकवादियों को पद्म सम्मान देना चाहती है सरकार, ये हाई कोर्ट ने पूछा था जब आतंकवादियों के केस वापस लिए जा रहे थे, उसमें से एक वलीउल्लाह शायद उसका नाम था, एक 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 मिनट, ये वलीउल्लाह को तो अभी जिसको बचाने की कोशिश कर रहे थे उसको तो वो तो अभी दोषी साबित हुआ है, वलीउल्लाह नाम भी मुझे ध्यान आ गया। अब एक मिनट पहले आप बोलेंगे डॉक्टर है, सॉरी बहुत खूंखार आतंकवादी था वलीउल्लाह, पहले अभी सजा मिली है, अभी उसको सजा मिली, उसके केस वापस हो रहे थे, वापस ले लिए थे क्या वो तुष्टि? अच्छा चलिए आप पहले बोल लीजिए, अजीज भाई आप पहले बोल लीजिए, कंधार में मसूद अजहर को लेकर जाकर कौन छोड़ा था? तो क्या मरने देते भारतीयों को? तो क्या भारतीयों को मरने देते, मरने देते भारतीयों को? आपका ये पक्ष है सर, जो भारतीय फंसे हुए थे IC 81 को मरने देते, आप ये कह रहे हैं? आपने आतंकवादियों की बात कही ना, तो आपने आतंकवादियों की बात, पीडीपी से गठबंधन किसने किया, जो पीडीपी से गठबंधन किसने किया, जो पहले आप को सही पीडीपी पे मत कूदिए ना सर, पहले एक पे रहिए, आपने बोला मसूद अजहर को क्यों छोड़ा, क्या आपका पक्ष है कि आप मरने देते भारतीयों को IC 81 में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको मरने देते, पीडीपी से गठबंधन उनको मरने देते? अब पीडीपी पर आ जाएंगे, रोशनी डाल दीजिए जरा, अब पीडीपी पर आ जाएंगे, एक एक करके बात करिए ना, आपने बोला मसूद अजहर, तो क्या दोनों पे बात होगी, एक एक के चलिए पहले की बात कर लेते हैं, तो क्या आप बोल रहे हैं IC 81 में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको मरने देते? क्यों, क्या हो गया, गलती से पूछ गए, गलती से पूछ गए, चल ठीक है। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, फिर शोएब जमाई में आपके पास आऊंगा, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, क्या ये तुष्टिकरण है जो अजीज भाई कह रहे हैं कि ये अपीजमेंट है भाई, ये तुष्टिकरण है पुष्प वर्षा गावड़ियों पर, तुष्टिकरण बताता हूँ जी। अब अपनी बात कर लूं, अजीज भाई जब बोल रहे थे सब चुप बैठे थे, अभी आपके पैनल पे एक भाई साहब हैं, उन्होंने, इनका मैं नाम भूल रहा हूं, माफी चाहता हूं, उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, इस भारत अगर एक बदन है तो उसकी आत्मा है, बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने, उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। शोएब जमाई भाई, उनका नाम है भाई, लोगों को यह समझना होगा जी, शोएब नहीं नहीं उन्होंने नहीं बोला था, कोई दूसरे जो बैठे हैं हाथ, अच्छा प्रवेश, प्रवेश चौधरी, नहीं आपने नहीं बोला था भाई, प्रवेश चौधरी, रमेश चौधरी जी ने बोला था जी, ठीक है ठीक है जी 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 जी, 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 जी। देखिए अमन भाई, भारतीय संस्कृति और सेक्युलरिज्म में सबसे पहले फर्क समझना पड़ेगा। अगर आप सेक्युलरिज्म के चक्कर में भारतीय संस्कृति को अटैक करेंगे तो इस देश में सेक्युलरिज्म बचेगा ही नहीं। इस देश में सेक्युलरिज्म तब तक है जब तक इस देश में भारतीय संस्कृति है। जिस दिन वो संस्कृति खत्म हो गई, सेक्युलरिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बाहर अगर तुम इस देश में सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना चाहते हो, भले कोई मुसलमान हो, भले कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो भारतीय संस्कृति को गले से लगाओ, अपने सीने से लगाओ, और भारतीय संस्कृति के ऊपर अगर मगर लेकिन किंतु परंतु महंगाई रोजगार तुष्टिकरण जैसी बातें ना करो भाई। तुम राजनीति में हो
तुम पॉलिटिकली करेक्ट रहो और भारतीय संस्कृति का अपमान ना करो, पहली बात। दूसरी बात, अभी अजीज खान भाई फिर बोल रहे थे, वैसे वो पॉलिटिकल बात थी, शलभ भाई ने जवाब दे दिया साहब, विकास की बात करी, रोजगार की बात करी, तरक्की की बात करी। अरे प्रभु, एक बार नहीं, दो दो बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके विकास को रिजेक्ट किया है, दो दो बार। तो अजीज खान भाई, या तो आपका विकास जनता तक पहुंच नहीं रहा, या उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है। अब आप बताओ कि इन दोनों बातों में सत्य क्या है। पहले शोएब जमाई बोल लेते हैं, उसके बाद अजीज खान आप जवाब दे दीजिएगा। पहले शोएब जमाई, पहले आप बोलिए, आपको भी अपीजमेंट हुआ है क्या ये शोएब, क्या ये तुष्टिकरण है? ये जो अभी हम जो तस्वीरें, एक बार ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए भाई, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी और प्रॉब्लम हुए, मैं तो चाहता हूँ जिन लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, सेकुलरिज्म खतरे में आ रहा है, उनको और आना चाहिए। तस्वीरों को ध्यान से देखिए भाई, देखिए ये बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही है, बुलडोजर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। तस्वीरें देखिए बहुत ध्यान से, कांवड़िए जो है वो कांवड़ यात्रा नीचे ले जाते हुए बुलडोजर को हाइट पर आगे ले जाया गया, हाइट पर, और देखिए बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही है। तो जिन लोगों को फ्लावर की फंडिंग इंटेंशन हो रही है, उनको शायद इस वजह से भी हो रही है, क्योंकि बुलडोजर से फ्लावर पेटल्स जो है वो फूल बरसाए जा रहे हैं। चलिए अब शोएब जमाई आप बोलिए, अब शोएब, और ये देखिए क्रेन से, चलिए अब शोएब जमाई आप बोलिए। शोएब जी, अमन जी, देखिए राजनीतिक पार्टियों का अपना एक राजनीतिक विरोध होता है, और वो उनका हक भी है डेमोक्रेसी में कि वो राजनीतिक पार्टियां आपस में एक दूसरे से किसी मुद्दे पर विरोध करती है। सही बात। लेकिन समाज के तौर पर, एक धर्म के मानने वाले लोगों के तौर पर, जिसको मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं उसी समाज से आता हूँ, हमारे मन स्थिति में और हमारे मानसिकता में किसी किस्म का वेलफेयर किसी डिवोटीज का वो हमारा विरोध नहीं है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के विरोध को पूरे मजहबी तौर पर एक खास वर्ग के साथ जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है, नंबर वन। नंबर टू ये है, चूंकि कल आपके साथ एक डिबेट थी, लॉन्ग रेंज स्काइप कनेक्शन में गड़बड़ी की वजह से कुछ बातें मेरी स्टेटमेंट मिसकोट किया आपने, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे उस पर एतराज किया, तो मुझे लगता आज जो मेरी स्टेटमेंट सारे डिवोटीज, अच्छा, जो आपने कावड़ियों को आतंकियों से तुलना करी थी उसकी बात कर रहे हैं आप? बेशक हमने नहीं की थी, और ये अच्छा। एक मिसकोटेड जो बातें थी, और उसके बारे में मैंने बहुत साफ सुथरी तौर पर ये कहा कि हमारी क्या इस पर विचार है, तो लिहाजा अब इस पर ज्यादा चर्चा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो असल बात, चलिए हाँ छोड़ देते हैं उस टॉपिक को, आपने सफाई दे दी, बात खत्म। शोएब उस टॉपिक को, असल में ना जो समस्या है, वो जो परेशानी शोएब होता है, सेकुलरिज्म हमेशा वन साइडेड लगता है। मतलब जो सवाल उठता है ना शोएब, आप हमेशा बात करते हैं, डॉक्टर रिजवान भी हमेशा बात करते हैं, हम सब बात करते हैं, सेकुलरिज्म वन साइडेड लगता है। मतलब हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू भाई है वो इफ्तार की पार्टी देते हैं, बिल्कुल देते हैं, कोई मुस्लिम भाई जो है वो थोड़ी ना नवरात्र में आलू पूड़ी बनवाकर लंगर करवाता है, वो वन साइडेड लगता है। मतलब यहाँ ये एक तरफा लगता है, इसलिए सवाल उठते हैं बार बार, इसलिए इस वक्त भी जो डिबेट हो रही है वो इसलिए हो रही है। ये गंगा जमनी तहजीब सेकुलरिज्म शोएब वन साइडेड है। दूसरी तरफ क्या होता है, आदिल कमाल आते हैं, हिंदू बनते हैं, भगवा साफा पहनते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं, मजारों को तोड़ते हैं, फिर और क्या होता है, बागपत में गर्भगृह, मंदिर के गर्भगृह में एक हिंदू बनकर धारदार हथियार के साथ मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। हाजीपुर में छह मुस्लिम हिंदू बनकर साधु के वेश में नंदी बैल घुमाते हैं, तो ये विश्वास मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस तरह के सवाल उठाने पड़ते हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ूं, अच्छा चलिए आप पहले बोल लीजिए, चलिए बोल लीजिए, हाँ बोल लीजिए। देखिए अमन जी, देखिए एक तो ये होता है कि आप शुद्ध मन से बैठते हैं और एक कुंठित मानसिकता से बैठते हैं। मैं शुद्ध मन से बैठा हूँ, इसलिए बायस होकर बात नहीं कर रहा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए जो एक तरफा बहुत सारे दूसरे तरफ के लोगों को भी लगता है। आज आप देखिए के उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आपने बात की, इसी हरिद्वार में, मैं सिर्फ एक ही केस के बारे में बोल रहा हूँ, इधर उधर मत जाइए, हरिद्वार में दो चार नमाजी जो बाजार में नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, मस्जिद नहीं जा सके, अपनी दुकानों पर नमाज पढ़ लिया,
तो उसके इस नॉन क्राइम जो अपनी इबादत का मामला है उस बुनियाद पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर पुलिस पीठ थपथपाती। सवाल ये होता है कि कावड़ियों पर हमारे उस वर्षा पे अगर हमारा विरोध नहीं है तो आपके नमाज अपनी इबादत अपनी दुकानों पर करने पर आपको ये जुर्म और क्राइम लगता कहां, है? कहां शोएब, ये कहां कौन सा विक्टिम कार्ड है? भूल गए गुड़गांव में नमाज गुरुद्वारे खोल दिए थे भाई। कहां 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 झूठ बोल रहे हैं आप? कितना कहां गुरुद्वारे गुड़गांव की नमाज भूल गए? सड़कों पर नमाज गुरुद्वारे खोल दिए गए थे सर, कहां बातें कर रहे हैं आप लोगों के लिए? तो आप लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए तो इतनी सुविधाएं, सब कुछ लिबरल है। यहाँ तो हनुमान चालीसा पर देशद्रोह लग जाता है प्रभु। चलिए, मैं इसलिए बहुत बड़ी डिबेट है। हरिद्वार के केस की बात कर रहा हूं। एक मिनट डॉक्टर रिजवान, जल्दी से डॉक्टर रिजवान, उसके बाद मैं अजय गौतम जी आ रहा हूँ। पहले डॉक्टर रिजवान जी, अमन भाई अभी अमन भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए अमन भाई। अभी फिर किसी ने शब्द इस्तेमाल किया सेक्युलरिज्म। फिर से बता रहा हूं, भारतीय संस्कृति एक वृक्ष है, वृक्ष सेक्युलरिज्म उसका सिर्फ एक फल है। भारतीय संस्कृति की जड़ में अगर तेजाब डालोगे सेक्युलरिज्म का फल अपने आप खत्म हो जाएगा, पहली बात जी। दूसरी बात, शोएब भाई ने नमाज की करी, कोई भी किसी को भी नमाज पढ़ने से इस देश में खतरा नहीं था। बिल्कुल, सब कहते थे आओ हमारे मैदान में पढ़ लो जुमे की नमाज। जानते हैं शोएब भाई खतरा कब पैदा हुआ? जब वहां के लोगों को ये लगने लगा कि एक दिन धीरे धीरे जुमे की भीड़ बढ़ जाएगी और यही लोग किसी दिन जुमे के दिन पत्थर और पेट्रोल बम चला देंगे। इस मारे तुमने अगर जुमे के दिन पत्थर और पेट्रोल बम इस देश में ना चलाए होते तो कोई पब्लिक प्लेस पे नमाज को जुमे की कभी मना ना करता। अजय गौतम बोलिए। अजय गौतम, पहले तो मैं थोड़ा सा पहले तो मैं इनको एक दो बात बताऊं। प्रवीण चौधरी जी, उनके बाद आप। हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार म्युनिसिपल एरिया एक है, अंग्रेजों के टाइम से वहां पर एक कानून है कि गैर हिंदू कोई भी एक्टिविटी बैन है, ऑफेंस है, ये एक्ट बना हुआ है। ये लोग बिना पढ़े लिखे बात करते हैं वहां ये, लेकिन ये है हरिद्वार म्युनिसिपल एरिया, जहां जहां तक आते हैं वहां आप कोई भी गैर हिंदू एक्टिविटी, नमाज पढ़ना, अजान लगाना कुछ नहीं कर सकते, पढ़ लीजिए कानून है। दूसरी बात मैं बताता हूं, मुझे सच में बड़ा दुख हुआ जब इब्राहिमपुर के अंदर, मुरादनगर के अंदर मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आ गई, उन्होंने खाटे लगा दी, उन्होंने कहा कि हम कावड़ियों को जाने नहीं देंगे। बताइए किस तरीके का ये जो गंगा जमनी तहजीब, जो सबसे उनको गंदा वंदा पानी वगैरह फेंक थूका, नहीं वो वहां, वो तो मेरठ के अंदर है, मेरठ के अंदर वो जो आदिल था, मेरठ के अंदर जो आदिल था उसने क्या किया, वो दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और एक ने कांवड़ के ऊपर थूका और एक पकड़ा गया, एक भाग गया। इसी तरीके से दिल्ली के जाफराबाद का ले लीजिए आप, दिल्ली के अंदर जाफराबाद में भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। ये पता नहीं कैसी मानसिकता है जो कभी भी, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है आज की तारीख में? आप हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस, आप हिंदू त्योहारों को क्रिटिसाइज करिए, आप होली को बोलिए पानी की वेस्टेज है, दिवाली पे बोलिए एयर पोल्यूशन है, बाकी दशहरे पे बोलिए कि ओवर क्राउडेड है, कावड़ यात्रा है, तो ये तो शासन प्रशासन का काम नहीं है। सेक्युलरिज्म का अगर इस देश में कोई मतलब है तो वो है हिंदू धर्म के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो आप सेक्युलर है, नहीं तो आप कम्युनल है। मैं पूछता हूं, जब जिस देश में पार्लियामेंट में हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू यानी रिलीजन के नाम पे बना हुआ कानून पास किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ काजी एक्ट, जब धर्म के आधार पर बने हुए कानून पास करे, तो भाई मुझे बता तो दो कौन से चश्मे, कौन से दिमाग में ये सेक्युलर देश रह गया? जहां धर्म के आधार पर कानून बनते हो, जाति के आधार पर कानून बनते हो, तो ये सेक्युलरिज्म की कौन सी डुप्लीकेसी हमारे हिंदुओं पर ये लादी जा रही है? सेक्युलरिज्म तब होता है जब उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग होती है। नहीं नहीं सर, मुस्लिम जब वो तब होता है जब नमाज रूम की मांग होती है कि नमाज रूम होना चाहिए, और ये जो लूलू मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो है सेक्युलरिज्म। ये तो कम्युनल है भाई। ये जो लूलू मॉल से कहानी शुरू करी है ना कि भाई नहीं, हमें हर जगह सिर्फ क्या है, हमें डिस्टर्ब करना है, चाहे दिल्ली का द्वारका का मेट्रो मॉल, वो मेट्रो का स्टेशन हो या पुरानी दिल्ली का स्टेशन हो, बस हमें जाना है, नमाज पढ़नी है, फोटो खींचनी है। ये अलग तरीके की समझ नहीं आया। मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ, एक मिनट आखिरी कुछ मिनट है, मैं डिबेट को आगे बढ़ रहा हूँ, सबका एक एक मिनट लूंगा, कमेंट सबका एक एक मिनट, आखिरी के छह मिनट है, मैं सबका एक एक कमेंट लूंगा, छह लोग हैं। मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ प्रोफेसर साहब,
इसका विरोध क्यों? इसका मकसद होगा, इसका मकसद ये हो सकता है अपीजमेंट, हो सकते हैं कि धर्म विशेष के लोग खुश होंगे, शाबाशी देंगे, वोट दे देंगे, ये रीजन है कुछ और? जल्दी जल्दी, एक एक मिनट प्रोफेसर साहब। रीजन यही है कि तुष्टिकरण का इनका एक पूरी पॉलिसी हमेशा से चलती है कांग्रेस के, और इसलिए वो करती है, वो हमेशा दिखा। दूसरी चीज मैं अमन जी ये कहना चाहता हूँ, ये एक तो हिंदू ही केवल एक धर्म है, बाकी सब पंथ है, इसको समझने की जरूरत है। रिलीजन, रिलीजन और धर्म दोनों में बहुत अंतर है। धर्म के अंदर सबको समान साथ में ले चलने की बात करते हैं, इसलिए हिंदुत्व कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। वहीं पर रिलीजन की जब बात करते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करने लगते हैं, जहां कहते हैं कि पूजने के लायक ही केवल एक है। तो ये बहुत डिफरेंस, बहुत अंतर है इन दोनों के अंदर। इसलिए जो मुस्लिम है, इस्लाम जो है वो एक रिलीजन है, और रिलीजन है अब्राहमिक रिलीजन है, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम है शोएब भाई, इसलिए प्रॉब्लम है आपके साथ। अब्राहमिक रिलीजन में प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आई है। बोलने दीजिए, उनको आपत्ति किस चीज को लेकर है? शोएब बोलिए, तार्किक जवाब सुन लीजिए प्रोफेसर साहब। सनातनी धर्म का भी एक उसूल है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये वेद कह रहा है, वही ला इलाहा इल्लल्लाह की बात को दोहरा रहा है वेद। इसलिए अब्राहमिकल जो दीन है, जो मजहबी है, वो वही सनातनी धर्म का उसूल है, और वही ला इलाहा इल्लल्लाह। सनातनी तो केवल हिंदुत्व हो सकता है, हिंदू हो सकता है, और ये दुनिया ने देखा भी है। इसलिए हिंदू ने, हिंदू जहां भी गया वहां शांति की बात करी, सौहार्द की बात करी, मित्रता की बात करी, समानता की बात करी, समता की बात करी। लेकिन इस्लाम जहां भी गया वहां दंगे की बात करी, लड़ाई की बात करी, हिंसा की बात करी। ये आप पढ़िए, आप खुद देखिए इस चीज को। शोएब भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए बताइए, क्या बोल रहे हैं? हाँ शोएब, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ। प्रोफेसर परवेश जी की एक और बात पे मुझे एतराज था। इन्होंने कहा कि चूंकि मेजॉरिटी में है तो हिंदुत्व की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकारों में। कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़िए प्रोफेसर साहब, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट हैव नो रिलीजन। रिलीजन और धर्म दोनों में अंतर है। भारत का हिंदुत्व धर्म है, और उसका संरक्षण करना भारत का संविधान का भी सार्थक कार्य है। इसलिए संविधान के अंदर अम्बेडकर तक ने राम और कृष्ण का जिक्र किया है। आप संविधान के प्रतियों को देखकर तो आइए, पेज को पलटकर तो आइए, किसी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए भाई, आपको पता चल जाएगा स्टेट का रिलीजन। हमारा जो देश है वो धर्म से चलेगा, और धर्म कौन सा? सनातन धर्म। कौन सा सनातन धर्म? हिंदू धर्म। नहीं, हमारा स्टेट जो है वो रिलीजन को नहीं मानता है, वो नो रिलीजन। भाई रिलीजन को नहीं मानना, रिलीजन अलग है। एक मिनट, वो डिबेट अलग है, डिबेट अलग है, बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, वो अलग है, अलग है, अलग है। डॉक्टर रिजवान शलभ आ रहा हूँ, लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर शलभ, फिर अजीज खान, तीनों एक एक मिनट। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई, टॉपिक भले अलग हो जाएगा लेकिन बात उठी है तो खत्म कर दूं। हाँ, कर दीजिए। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इसका मतलब होता है, पॉलिसी मैटर में, उसके अलावा स्टेट का धर्म है, भारत के स्टेट का धर्म सनातन धर्म है, समझ लो इस बात को, और इस बात को चैलेंज करना बंद कर दो, क्योंकि उसी के दम पर इस देश में सेक्युलरिज्म है। बिल्कुल। चलिए, अब शलभ आप बोलेंगे। बार बार आपत्ति ये की जाती है कि इस तरह की चीजें दूसरे धर्म के लिए क्यों नहीं, ऐसी पुष्प वर्षा हाजियों के लिए या दूसरी चीजें क्यों नहीं, फिर क्यों ना कहा जाए कि भाई ये कम्युनल है और आप लोग सेकुलर है, ये शिकायत रहती है हमेशा। सेकुलरिज्म को लेकर मैंने बहुत सारे लोगों के भाषण सुने, शोएब भाई भी बैठे हैं यहाँ पर, मुझे एक बात बता दीजिए कि मदरसे की जो शिक्षा है वो क्या है, सेकुलरिज्म है या क्या है? वो कम्युनल है। आप सरकारी पैसे से अपेक्षा करते हैं कि धर्म के प्रचार की शिक्षा दी जाए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहां पर एनसीईआरटी की पुस्तक लगाई, कहा कि सारे बच्चे गणित और साइंस भी पढ़े, तो आपको उस पर भी आपत्ति हुई। तो जो मदरसे में जो आप इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं, सरकारी पैसे दे रहे हैं, क्या आपने कभी मांग उठाई? आप अगर सेकुलर होते तो आप कहते कि चलो हिंदू धर्म की भी शिक्षा दी जाए, हिंदू धर्म के लिए भी कॉलेज खोला जाए, आप हिंदू धर्म के लिए सरकार पैसा दे, तो आप तो वहां पे सेकुलरिज्म आपका गायब हो जाता है। यहाँ पर कांवड़ यात्रियों को बैन किया गया 2017 के पहले, आपको पता है लाठियां चली उनके ऊपर, उनके भजन चलते थे, राम धुन, कृष्ण धुन, महादेव धुन, उस पर पाबंदी लगाई गई। तो आज अगर उनका वेलकम हो रहा है, उनके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है, उनको सहूलियत दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। और जो भी विरोध कर रहे हैं, किसी तरह छुटके विरोध कर रहे हैं या किन्हीं शब्दों के आड़ में कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे बड़ा सांप्रदायिक कोई नहीं है। अजीज खान, अगर ये तुष्टिकरण है कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, अगर ये तुष्टिकरण है जो आपने कहा, तो फिर जो सवाल शलमणि त्रिपाठी ने पूछा
कि भाई जो सरकार के पैसे से धार्मिक शिक्षा दी जा रही है वो भी तो तुष्टीकरण के दायरे में आएगा फिर? देखिए अमन जी, सलभ भाई मैंने पहले भी कहा था, बहुत विद्वान शख्स है, शायद इनको ये नहीं पता कि 2017 से लेकर अब तक जो साइंस टीचर अपॉइंट हुए थे मदरसों में उनको तनख्वाह नहीं दिया गया है, कोई तनख्वाह नहीं दिया गया, रिपोर्ट निकाल ले, ये सरकार में जान ले। दूसरी बात, अभी गंगा जमुनी तहजीब पे तमाम बड़े बड़े लेक्चर्स मैंने सुने, मैंने एक बात बता दिया, समाजवादी पार्टी का हमेशा ये मानना रहा कि जो समता समानता और बंधुत्व का जो फार्मूला है वो इस मुल्क में कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो कौमी इतिहाद है, इस कौमी इतिहाद को किन्हीं भी परिस्थितियों में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और ना कोई शख्स इसको बिगाड़ पाएगा। हमने पहले भी कहा पुष्प वर्षा बिल्कुल होना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, कावड़ियों का स्वागत होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, अमन भाई, लेकिन साथ ही साथ अमन भाई पांच सेकंड नौजवान है, उन नौजवान को नौकरियां भी मिलनी चाहिए। अमन भाई 5 सेकंड ले लीजिए सर, 10 लीजिए, बोलिए ना अमन भाई 5 सेकंड जी। अमन भाई, अजीज खान भाई को एक बात बोल दीजिए, गंगा भी सनातन की है और जमुना भी सनातन की है, बस इतनी बात बोल दीजिए उनको। सुन रहे हैं वो, मुस्कुरा रहे हैं वो, उनको एतराज है ही नहीं इस चीज से, मुस्कुरा रहे हैं वो, सुन रहे हैं इस चीज को। 2021 के अंदर अखिलेश यादव ने पूछी अजीज खान साहब से कुंभ में जाके शंकराचार्य जी से माफी क्यों मांगी, क्यों उन्होंने 2016 के अंदर जो सैकड़ों जो बटुक थे, गुरु के छात्र थे, क्यों मांगी थी? इन्होंने गदौलिया के अंदर साधु संतों पे और जो स्टूडेंट थे गुरुकुल में पढ़ने वाले उन पे लाठी चार्ज कराया, उनको ब्रुटली इन लोगों ने लाठी चार्ज करके उनको इस तरीके से मारा। अजीज भाई ऐसा हुआ था, माफी मांगी थी? क्यों माफी मांगी? फिर अजय जी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, अजय जी महात्मा हो करके इतने बड़े नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। अरे आप अगर ऐसा है ना, अगर मैं तो गूगल कर लो भाई, एक बार पूछ तो लो ना, अगर एक बार गूगल ही कर लो, चलो कुंभ के अंदर शंकराचार्य शिविर में माफी मांगी है, माफी मांगी नहीं मांगी पता पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। सौबत की एक बात।